वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं और आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए अपना CTPST, PET और DM के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 हमारे पास है MCQ। द फ्लावर ऑफ डाइकोट हैज़ 4 or 5 फ्लोरल पार्ट और मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। फ्लोरल फ्लावर ऑफ डाइकोट, जो डाइकोट फूल होते हैं उनके 4 या 5 फ्लोरल पार्ट होते हैं या इनसे भी ज़्यादा होते हैं। मोनोकोट हैव फाइब्रस रूट, मोनोकोट के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, फाइबर की तरह होते हैं। डाइकोट हैव टैप रूट्स होते हैं। अब हमारा ये स्टार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर में लिख दिया हमने। ईयर्स रिसीव साउंड सिग्नल एंड सेंड देम टू आवर ब्रेन। ईयर सिग्नल को रिसीव करते हैं और ब्रेन को भेज देते हैं। टीथ कंटेन कैल्शियम, जो दांत होते हैं ये कैल्शियम अपने अंदर कैल्शियम रखते हैं या कैल्शियम के बने होते हैं। बैक्टीरिया ग्रो इन टीथ एंड डैमेज देम इफ़ नॉट प्रॉपरली क्लीन। बैक्टीरिया पैदा होता है कहाँ पर, दांतों में, और इन्हें तबाह कर देता है अगर हम इन्हें साफ ना करें। स्मॉल चिल्ड्रन हैव मिल्क टीथ विच आर 20 नंबर, छोटे बच्चों के जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बींग हैज़ 32 टीथ, एक आम आदमी के, एक नॉर्मल आदमी के 32 दांत होते हैं। सोर्स ऑफ कैल्शियम आर मिल्क, बनानाज, एग। कैल्शियम के लिए जो सोर्स है हमारे पास वो क्या क्या चीज़ें हैं, मिल्क है, बनाना है और एग है। स्किन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन फ्राम इन्वायरमेंटल इफेक्ट एंड इन्फेक्शंस। स्किन हमारी जो होती है हमें प्रोटेक्ट करती है इंटरनल, हमारे इंटरनल ऑर्गन को इन्वायरमेंटल इफेक्ट से और इन्फेक्शन से, बहुत सारी बीमारियों से। उसके बाद हमारे पास है आवर स्किन प्रोवाइड अस सेंस ऑफ टच, हमारी जो स्किन है वो हमें सेंस ऑफ टच प्रोवाइड करती है। द फ्लैश ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ मसल, जो हमारे बॉडी का गोश्त है ये मसल से बना होता है, मतलब मसल से बना होता है। मसल्स आर अटैच विद बोन्स, मसल्स बोन के साथ अटैच होती हैं। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट्स, मसल्स और बोन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं तो टुगेदर और प्रोड्यूस करती हैं मूवमेंट को, मतलब कि आप हाथ जब मिलाते हैं इसे मूवमेंट कहते हैं, जब बाजू को ऊपर नीचे करते हैं तो ये मूवमेंट है आपकी। बोन्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, लिवर, ब्रेन, लंग्स, जो हमारे बोन्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारे वाइटल ऑर्गन लाइक, मतलब कि हार्ट हो गया, हमारा दिल हो गया, लिवर हो गया, जिगर, ब्रेन हो गया हमारा, दिमाग और लंग्स, फेफड़े, इनको बचाने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स काम करते हैं। हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप विच इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी। हार्ट क्या है, मस्कुलर पंप है जो कि लेफ्ट साइड पर होता है चेस्ट कैविटी के, लेफ्ट साइड पर कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड पर होता है आपके एक तो बायां बाजू होता है, एक दाएं बाजू होता है और दाएं साइड होती है, उस दाएं साइड पर ये चेस्ट कैविटी के साथ होता है। हार्ट पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, हार्ट मुख्तलिफ पार्ट ऑफ बॉडी को खून पंप करता है। द फूड वी च्यू पास डाउन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमिक, जो हम फूड को चबाते हैं तो वो पास होकर कहाँ जाती है, स्टोमिक में जाती है। लंग्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अब्सॉर्ब ऑक्सीजन। लंग्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इखराज करती हैं। 90 है हमारा। वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी इज ब्रेन विच इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का जो वाइटल बहुत अहम हिस्सा है वो ब्रेन है, जो कि कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, सारी जिस्म की एक्टिविटीज़ को। टू मेक आवर मसल्स एंड बोन्स हेल्दी वी शुड एक्सरसाइज, हमारी मसल्स और बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ब्रेन इज़ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ब्रेन जो है इंसान का वो कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। ब्रेन इज़ अ वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, मूवमेंट इज़ प्रोड्यूस बाई मसल्स एंड बोन्स। लंग्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस फ्राम एयर, अ चाइल्ड मे गेट रैश इफ़ ही शी डज नॉट बाथ रेगुलरली,
चाइल्ड बच्चा बच्चे को रैशेज हो जाते हैं कब, जब वो रेगुलरली ना नहाए। इफ़ वी डू नॉट टेक हेल्दी फूड वी विल बिकम वीकर, अगर हम रेगुलरली फूड ना लें तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। टीथ च्यू दी फूड एंड मेक इट इजीली डाइजेस्टेबल, टीथ फूड को चबाते हैं और क्या करते हैं उसको उसे इजीली डाइजेस्टेबल बनाते हैं। फूड, अब हमारे पास स्टार वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड स्टोर इन सीड इन द फॉर्म ऑफ कोटलीडन्स, जो आपके सीड्स होते हैं उनमें फूड कहाँ पर स्टोर होती है, कोटलीडन्स में। साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह मिलते हैं।